तो बिल्कुल आप देख सकते हैं एक बार फिर से किसान अपने ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं। ट्रैक्टरों की संख्या देख लीजिए किस तरीके से किसान एक बार फिर से सड़कों पर उतर चुके हैं। ट्रैक्टर परेड उनकी ओर से जरूर की जा रही है और कल भी किसानों ने 3 घंटे के लिए टोल पर कब्जा कर लिया था, टोल को फ्री करा दिया था और आज आप देख सकते हैं किस तरीके से किसान अपने ट्रैक्टर लेकर जो है सड़कों पर उतर चुके हैं। प्रोटेस्ट उनकी ओर से जरूर किया जा रहा है, ट्रैक्टर परेड किसानों की ओर से जरूर की जा रही है और आप देख सकते हैं भारी संख्या में जो किसान हैं अपने अपने ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर जरूर उतर चुके हैं। और करनाल के नीलोखेड़ी की तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं किसान एक बार फिर से इकट्ठा हो चुके हैं और भारी संख्या में ट्रैक्टर लेकर यहां पर पहुंचे हैं। बातचीत करने का प्रयास भी उनकी ओर से जरूर किया जाएगा और बातचीत कर लेते हैं। आज हमारा किसान यूनियन की तरफ से ट्रैक्टर मार्च था जो त्रावड़ी अनाज मंडी से स्टार्ट हुआ है और नीलोखेड़ी का दौरा करते हुए तहसील में हमने निकलते हुए और वापस हम त्रावड़ी जाएंगे अलग अलग रास्तों से। ये हमारा आज का ट्रैक्टर मार्च है। बीजेपी सरकार को एक संकेत है कि जल्दी से जो किसानों की समस्याएं उनको हल किया जाए, नहीं तो ये मार्च बढ़ता चला जाएगा। मेरे को तो खालिस्तान पता नहीं है क्या आपका? एक तो एमएसपी की मुख्य मांग है, दूसरा किसान का जो कर्जा है, जो हमारे किसान है जो कर्जा भरने में असमर्थ हैं उनका कर्जा माफी का सर्वे किया जाए और उनके कर्जे को माफ किया जाए। हाँ जी, आज हमारा गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी की तरफ से आदेश था कि ट्रैक्टर मार्च किया जाए तो हम उनके आदेश के अनुसार आज हमने त्रावड़ी से लेके नीलोखेड़ी मार्केट से होते हुए ट्रैक्टर मार्च किया है। हाँ जी, हाँ जी, वो भी टोल फ्री कराया था और जैसा भी आगे उनका आदेश होगा हम उस पर खड़े उतरेंगे। अभी मुझे लगता नहीं है कि सरकार की कोई ऐसी मंशा है, क्योंकि उनकी नीयत में खोट है, नहीं तो बात तो कुछ भी नहीं है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा कि जल्दी से किसानों को एमएसपी की मांग पूरी की जाए, जल्दी से किसानों की और किसानों को एक शुभ सौगात दी जाए बीजेपी सरकार की तरफ से। बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से किसान जो है भारी संख्या में एक बार फिर से सड़कों पर उतर चुके हैं ट्रैक्टर लेकर। ट्रैक्टर परेड उनकी ओर से जरूर निकाली गई। त्रावड़ी से ये किसान अपना ट्रैक्टर लेकर चले थे और करने नीलोखेड़ी में तहसील कार्यालय के बाहर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से आंदोलन लगातार चल रहा है। शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और ऐसे में भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी ग्रुप की ओर से कल 3 घंटे का टोल फ्री कराया गया था और अब आप देख सकते हैं तमाम जो किसान है वो ट्रैक्टर लेकर जो है सड़कों पर निकले हैं। ट्रैक्टर परेड उनकी ओर से जरूर की जा रही है।